हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? तो वेलकम है आपको कैसर एंड ज़ीशान व्लॉग्स में। तो आज हम हैं ज़ीरो बॉर्डर लाइन पे, इंडिया के बिल्कुल करीब। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम है कि कुकिंग करें और फ़िशिंग करें। तो हमारे साथ है ये सहेल भाई हैं, कैसर हैं, शराफत गज़नफर और अजीम हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। तो शराफत को आप छोटे चैनल के नाम से? हाँ बिल्कुल, दो तीन वीडियो आपने हमारे चैनल पर इनकी देखी है। तो आज थोड़ी तबीयत इनकी ख़राब है, तो शायद भाई जरा बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। लाइक करें, बोले बोले कह रहे शाहद भाई नहीं बोल शर्जे जी भी नहीं, आवाज नहीं निकल रही है हमारी। तबीयत ख़राब है तो बोलने आज बोला नहीं जा रहा। तो ये साथ में कुकिंग की तैयारी चल रही है, कैसर है अभी लगेगी मच्छी की नहीं? मच्छी भाई लगती है बार बार। हाँ मच्छी साढ़े नौ शहर गलत ने बंद गोश ही लगता मछिया नु गोश गला भी खराब है, खांसी भी बड़ी लगी दी है। तक त्रै घंटे हो गए गोश बंद लगता है, ये खादी नहीं पी मछिया भाई। कुंडी लाई दी पंद्रह मिनट हो गए, पंद्रह मिनट तारी मच्छी का कोई ख्याल नहीं। तो फड़ी भी है नहीं? नहीं राणा साहब कोई... लगी है मेरी कुंडी लगी चवले यार वड्डी मच्छी चल गई मच्छी दो ओनू लगी जाई दूसरी कुंडी नु भी ओनू भी गई खींच ले रेना यार खींच दे बड़ी जोर मेरे मुंह बहुत तो तंदी नु हट पे काम ही खराब होता है इधर नु खींचदा तो काम हो गया। ये जो हम फिशिंग कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर का एरिया है। ये जो बन आपको नजर आ रहा है आगे ये पानी के साथ, ये इंडिया का लास्ट बन है। यहाँ ये जो पानी है ये नहर है। चारवा सेक्टर में अगर आपने सुना होगा वहाँ पे ये जरवाल बदवाल गांव है जो कि बिल्कुल लास्ट गांव है बॉर्डर के। तो यहाँ पे जहाँ हम फिशिंग कर रहे हैं मच्छी तो गो आई थी मच्छी तरीके उसके घर में आई है कुंडी के साथ लगी हुई थी। आजिम भाई लगी मच्छी? हाँ जी कोई नहीं अरे चाय बड़ा नहीं है बहुत ज्यादा बांट रहे हैं मंजी पूरी पूरी जड़ी हिंदी क्या कटने पड़ने हैं जब पास फिर मैं नहीं कटने नहीं कि नहीं दो कितने बंदे ही सात आठ सी मार दिया ना आठ बंदे एक ही पुलाव बनेगा कैसा साहब या बिरयानी प्रसाद दसो पुलाव बनेगा। अच्छा हाँ जी चोल पकाया खादी मजा बड़ा आया शराद भाई ने मच्छियां कुछ और कढ लैनी मैनू पता। हां जी शराद भाई सेल तू कल्ले ला ली उधर मेरी कुंडिया ध्यान रखी छोटे छुट्टिया मैं छोटे नहीं।
ਭਾਈ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਡੱਡੀਆਂ ਹੀ ਡੱਡੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਯਾਰ ਜੰਪ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜੰਪ ਤੇ ਬੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਲਾ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਫੜ ਲੈਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆ ਸਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਿਆਨੀ ਖੋਬਾ ਛੋਲਬਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਦਾ ਪੱਕੀ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਲੈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਂਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੱਕੜੀ ਬਿਠ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੋ ਹਮ ਅਭੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬੰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਯਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਹਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਾ ਤੋ ਚਾਰਵਾ ਸੈਕਟਰ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜੋ ਲਾਸਟ ਗਾਓ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਰ ਇਹ ਬੰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮੰਥ ਸੇ ਯਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ और मछली पकड़ के लेके जाते हैं तो हमने भी सोचा था कि यहाँ पे कुकिंग करेंगे और फिशिंग करेंगे ਕੀ ਕਰਨਾ ਢੋਡ ਖਾਣੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਓ ਗੋਲਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਅੱਛਾ ਬੁੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਕੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਾਸੀ ਹਾਂ ਸੋ ਗਿਆ ਓ ਤੁਮਾਰੀ ਸੋ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜੇ ਛੇਲਾ ਪੀਜਾ ਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਰਾਮਦੇ ਚ ਕਰ ਲੋ ਚੁੱਕ ਪੀ ਪੀ ਲਓ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਗੈਸ ਮੁਕਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਵਾਹ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਟੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ
ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਆਏ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਚੋਲ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗੇ ਆ ਖਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਗੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਾਂਦੀ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੋਵੇ बड़ा शुक्र मेला लगा दा तबीयत भी खराब है एक बोलन नहीं हुंदा फिर चलो कोई गल नहीं फिर जिवे सवेर कुंडिया सुटी दियां कुंडिया ने कोई सूरत हो जाए मच्छी दे विच बड़ी है मुर्गी नूं जिहड़ी है मुर्गी नूं नहीं लगदी वी मुर्गी नूं पता नहीं कि बीमारी है जान तो खुराक नहीं मुर्गियां मच्छियां भी इतना लगदियां नहीं पईयां ते अपने जशान साहब ने वेखे मैं लागा दूसरा चेंज करन लगा गोश्त नूं मच्छी नहीं लगदी गंडोला लान लगा जिहड़ा गंडोले नहीं निकलदे ते जिवे मैनेजर ने अपने अपने शाहूकार नाल मच्छी फगा रहे ने इंज नहीं इंज फड़ो तरीके कारण नहीं गोश्त मच्छी खा गई है पहला ना खिचे मच्छी जू फड़ने भाई जी मच्छी का भी मूह बखाने मछेरिया का भी मूह बखाने हां जी राणा साहब किन्ना टाइम रह गया भुख लग पी की टाइम है दो बज के 30 मिनट हो गए मांजे साहब मच्छी भी फड़नी तो कोई मोबाइल जान छोड़ दो आ रही है आ रही है मच्छी लग रही है पता नहीं आता नहीं लग रही लग रही है बड़ा मछेरा जी में आया ही ध्यान देता जी आ बड़ी मच्छी है हां जी वसीम भाई वसीम भाई जो के पीछे रह गए थे अभी पहुंचे हैं शामिल हो गए हैं वो भी तो माशाल्लाह सादी बोतल नहीं लेकर हम कर लियो शायद भाई पेप्सी और कोक और स्प्राइट आ गई है तो नेस्ले का पानी नहीं आया माशाल्लाह जी नहीं उधर गए गिरे ले जी माशाल्लाह ते साडी बिरयानी तैयार हो गई है कैसे ने बहुत मेहनत करके ते बिरयानी बनाई है ते वसीम भाई रह गए से बच्चे ते वो भी बोतलां शोतलां लै के ते पहुंच गए ने हुण असीं खाण लगे आ मच्छी तो कोई फड़ी नहीं गई वैसे साडी जिहड़ी गैदरिंग सी माशाल्लाह बहुत मजा आया फन कीता